नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर यातायात पुलिस के तत्वावधान में बाईटीएफ के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर जबलपुर पुलिस के द्वारा यातायात सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर भरत यादव, एसपी अमित मिश्रा ने लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई, साथ ही साथ जानवरों और पशुओं के प्रति दया भावना रखने और उन्हें चोट न पहुंचाने की बात भी एसपी के द्वारा कही गई। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम के पश्चात कार्यक्रम स्थल पर फैले हुए कचरे को भी बिनवा करके एसपी और कलेक्टर महोदय ने सुरक्षा की शपथ भी लोगों को दिलाई और शहर भर के मुख्य मार्गों से होते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर के एक प्राइड रैली का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। यहाँ में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी युवा ट्रैफिक टीम के लोगों ने हमारे सीनियर सिटीजन साथियों ने जिस तरीके से अभियान छेड़ रखा है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन दिख रहा है। परिवर्तन आएगा, अमूल चूल परिवर्तन। एक दिन में हमारे पास जादुई छड़ी नहीं है कि सभी में हम ट्रैफिक सेंस कल्टीवेट कर देंगे, लेकिन ये जो समन्वित और सामूहिक प्रयास हो रहा है, निश्चित तौर पर एक दिन ये अपना अच्छा रंग दिखाएगा और जबलपुर के ट्रैफिक सेंस में अमूल चूल परिवर्तन होगा। लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को ट्रैफिक रूल्स पालन कराने के लिए कन्विंस करेंगे। शायद ट्रैफिक अवेयरनेस वीक का भी यही मोटो है। इसी मोटो के साथ ये वीक मनाया जाता है कि हम जागरूकता लोगों तक पहुंचाएं। और आप सभी से मैं कहूंगा कि आप अपने परिवार से इसकी शुरुआत करें, अपने बच्चों से इसकी शुरुआत करें, अपने रिलेटिव से इसे तैयार शुरुआत करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने संबंधियों के बीच अगर इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो हम अपने लक्ष्य। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।